कोरोना काल में बुलाया गया मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिन का सत्र महज 1.5 घंटे की कार्यवाही के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखकर कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में आज एक दिनी विधानसभा सत्र आयोजित किया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष सीएम शिवराज और संसदीय कार्य मंत्री ने जांच कराकर सदन में प्रवेश किया। शुरुआत में विधानसभा की कार्यवाही दिवंगतों के सम्मान में 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। विधानसभा की कार्यवाही सबसे कम समय महज 1.5 घंटे में सम्पन्न हो गई। इस दौरान सदन में सभी सदस्य अपनी सीट पर बैठे रहे। विधानसभा में सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कोरोना को लेकर राज्य में उपजी स्थिति को साफ किया। इस सत्र के दौरान हमारा प्रदेश और देश माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान निजी अस्पताल में चल रहे मनमानी का मुद्दा उठाया। कमलनाथ ने सीएम से इस पर स्थिति साफ करने को कहा, जिस पर मुख्यमंत्री ने कमलनाथ के सवाल का जवाब भी दिया। Thank you.
संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा सत्र में हुई कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान 7 विधेयक पर संशोधन पारित किए गए। बजट आज कई विधेयक अध्यादेशों को भी पटल पर रखा गया। बजट के बाद में जो प्रमुख रूप से अध्यादेश थे, एक तो आधिक्य व्यय का विवरण का उपस्थापन हुआ, अनुदान मांगों पर भी मतदान हुआ, शासकीय विधि विषयक कार्य हुए, 2020-21 का आय व्यय उपस्थापन हुआ, अनुदान मांगों पर भी आज मतदान हुआ है। 7 विधेयक आज पास हुए हैं, जिसमें से वित्तीय थे, 4 तो वित्तीय विधेयक थे, जैसे वित्त विधेयक था 2020 का, वैट संशोधन विधेयक था, इसी तरह से माल और सेवा कर वाला था, हमारे यहाँ पर जो तृतीय संशोधन विधेयक नगरी विधि का था, जिसमें उसको घटाकर 1% जो किया गया है स्टाम्प ड्यूटी शुल्क, वो भी आज इसमें पास किया गया। दरअसल विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतर रह सकता है, ऐसे में कानून के अनुसार इसे बुलाया जाना जरूरी था, इसी के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाया गया। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।